पांच मशीनें, इंजीनियरिंग के पांच शाहकार और पांच परीक्षणों के जरिए हम जानेंगे कि इनमें से कौन है बेहतरीन। हमारी पहली कैटेगरी है माल ढोने की क्षमता। हमारे इन पांच विशाल विमानों में से हर एक में कितनी जगह मौजूद है? पांचवे नंबर पर है B2 स्पिरिट, जिसमें लगभग 100 क्यूबिक मीटर जगह है, मगर इसके सही सही आंकड़ों को गुप्त रखा गया है। इसमें ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन अहम बात यह है कि इसमें जितनी भी जगह है उसमें हाईटेक हथियार भरे पड़े। चौथे नंबर पर है स्प्रूस गूस, जिसे 750 सैनिकों या 35 टन के एक टैंक के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अंदर 450 क्यूबिक मीटर से ज्यादा जगह है। स्प्रूस गूस बहुत ही अनोखा विमान था। आधुनिक इंजीनियर आज इससे काफी कुछ सीख सकते हैं। तीसरे नंबर पर है C-17 ग्लोब मास्टर। इसमें 590 क्यूबिक मीटर से ज्यादा सामान ले जाया जा सकता है और ये 77 टन वजन ढो सकता है। C-17 की खासियत है इसमें ले जाए जा सकने वाले अलग अलग तरह के सामान। इसमें कार्गो भी जा सकता है, इसमें सैनिक भी जा सकते हैं, इसमें वाहन भी जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल किसी सुसज्जित अस्पताल की तरह भी किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर है एरिस क्राफ्ट। पूरी तरह ऑपरेशनल होने पर इस एयरशिप में सामान के लिए 7000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा जगह होगी। जब इसकी टेस्टिंग पूरी हो जाएगी और ये उम्मीदों पर खरा उतरा, तो ये विमान अब तक डिजाइन किए गए किसी भी विमान से आगे निकल जाएगा। लेकिन जब तक वो दिन नहीं आएगा, 1400 क्यूबिक मीटर जगह के साथ पहले नंबर पर रहेगी एयरबस A300-600 सुपर ट्रांसपोर्टर, जिसे बलूगा भी कहा जाता है। इसे दुनिया का सबसे ज्यादा जगह वाला विमान बताया गया है, यानी ये सचमुच बहुत बड़ा है। अगर बड़े आकार वाले सामान को लाने ले जाने की बात हो तो बलूगा से बेहतर कोई नहीं। दुनिया में सिर्फ 5 बलूगा विमान ही हैं और उन्हें खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया था। ये एयरबस की यूरोपीय प्रोडक्शन साइट्स और उसकी फाइनल असेंबली लाइंस के बीच एक तेज रफ्तार संपर्क मुहैया कराता है। ये उनके A300 एयरलाइनर पर आधारित है। देखने में ये बहुत बड़ा ना हो, लेकिन ये विमान कमाल की कार्यकुशलता के साथ बड़े बड़े सामान उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो इसका कॉकपिट कार्गो फ्लोर के नीचे मौजूद है, जिससे विमान के पूरे हिस्से इसके और मजबूत बनाए गए हल में सीधे ही लोड हो जाते हैं। एविएशन के इतिहास में इस विमान का दरवाजा सबसे बड़ा है।